नमस्कार प्रकाशक के मंच पर एक बहुत खूबसूरत सी शाम और इस शाम में है एक बड़ा सुंदर सा पैगाम उन सभी के नाम जो साहित्य में बहुत रुचि रखते हैं, क्योंकि आज प्रकाशक के मंच पर बहुत बड़े बड़े दिग्गज साहित्यकारों का जमघट है और बहुत खास मौका भी है। इस मौके के बारे में बताने से पहले मैं इस पटल पर उपस्थित हमारे साथ जो विशिष्ट अतिथि हैं उन सभी का एक बार परिचय दे देती हूँ। हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर नमिता सिंह जी मौजूद हैं, वरिष्ठ साहित्यकार और डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य अकेडमी की संरक्षिका भी हैं। कुल मिलाकर हम सबकी दिग्दर्शिका हैं वो, और हम सभी उन्हीं के निर्देशों पर उनके बात सुनते हुए हम सभी कुछ ना कुछ इस तरह की गतिविधियां करते रहते हैं। तो आदरणीय डॉक्टर नमिता सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ पटल पर हैं एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि, आदरणीय विभूति नारायण राव। विभूति नारायण राय जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं और प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान से उन्हें अलंकृत किया जाएगा। तो हम इस बात पर उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं और उनका स्वागत करते हैं तहे दिल से। आदरणीय विभूति नारायण राय जी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। और हमारे साथ पटल पर मौजूद हैं आदरणीय रामकिशोर जी, जो डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य अकादमी के महामंत्री हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं। रामकिशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद। और हमारे साथ पटल पर हैं डॉक्टर अम्बरीन आफ्ता। डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य अकेडमी की अथॉरिटी हैं और डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य अकेडमी की मजबूत स्तंभ हैं, इनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये आज हमारे साथ होंगी और बहुत सी बातों के बारे में हम चर्चा करते जाएंगे। इसके अलावा हमारे साथ पटल पर हैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी। आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत स्वागत है। आप प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री हैं। विभूति नारायण राय जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आपसे बेहतर कौन और प्रकाश डाल सकता है, आज हम इसी पर उन्हें सुनेंगे। तो और हमारे साथ पटल पर हैं डॉक्टर दिनेश कुमार, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। पटल पर आज सुश्री अलका प्रमोद जी भी हैं, जो कि वरिष्ठ साहित्यकार हैं। और मैं हूँ आप सबके साथ राजुल। तो बहुत बहुत स्वागत करते हुए, आप सभी को धन्यवाद देते हुए इस अच्छी शाम में और इतने महत्वपूर्ण आयोजन में आप सबकी उपस्थिति से चार चांद लगाने के लिए धन्यवाद देते हुए, अब मैं इस सभा की जो बागडोर है वो आदरणीय रामकिशोर जी के हाथों सौंपती हूँ। आदरणीय रामकिशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजुल जी, आपका कैमरा ऑफ है आदरणीय। हाँ, डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य एकेडमी के सम्मान समारोह के मंच पर सुशोभित कर रहे समारोह के मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार श्री विभूति नारायण राय जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य एकेडमी की संरक्षक वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय नमिता सिंह जी, डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य एकेडमी की अध्यक्ष सुश्री वंदना मिश्र जी, वरिष्ठ आलोचक प्रगतिशील लेखक संघ की उत्तर प्रदेश इकाई के महामंत्री डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी,
वरिष्ठ कवि एवं आलोचक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार जी, अनेक पुस्तकों की रचयिता, वरिष्ठ साहित्यकार सुश्री अलका प्रमोद जी, डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य अकादमी की सुदृढ़ स्तंभ डॉक्टर अम्बरीन आफ्ताब जी, डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्य, वरिष्ठ कवि, कहानीकार, कई पुस्तकों की रचयिता, प्रकाशक समूह की मुख्य संचालिका आदरणीय राजुल जी, सुप्रसिद्ध वरिष्ठ गीतकार डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य अकादमी के संस्थापक सदस्य अशोक हमराही जी, इस समारोह को अपना आशीर्वाद दे रहे साहित्यकार बंधुओं और दोस्तों, डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य अकादमी की स्थापना 18 मई 2008 को लखनऊ में हुई थी। समारोह का आपको बीच में टोकने के लिए बहुत माफी चाहती हूँ, आपका कैमरा ऑफ है, कृपया उसे ऑन कर ले। अच्छा अच्छा, आवाज सुनाई दे रही है? आवाज आ रही कि नहीं आ रही? जी आवाज आ रही है। ठीक है, जी आवाज आ रही है। ठीक है, समारोह का उद्घाटन वरिष्ठ आलोचक साहित्यकार प्रोफेसर कुंवर पाल सिंह जी के लिखित भाषण से हुआ। अपने लिखित उद्घाटन भाषण में प्रोफेसर कुंवर पाल सिंह जी ने कहा था कि डॉक्टर राही मासूम रजा भारत की परंपरागत साझी संस्कृति और विरासत के प्रबल समर्थक थे। वे धर्म की राजनीति करने वालों का सदैव विरोध करते रहे। राही हर तरह की संकीर्णता, कट्टरता, दकियानुसी ख्यालात, दिमागी दिवालियापन और मक्कारी के आजीवन विरोधी रहे। डॉक्टर राही मासूम रजा के सरोकार बहुत बड़े थे। इतना बेबाक और बहादुर तथा सच्ची बात कहने वाला लेखक हिंदी उर्दू में शायद ही हो। सांप्रदायिकता को राही कोढ़ मानते थे। उनके लिए हिंदू मुस्लिम और सिख सांप्रदायिकता में कोई भेद नहीं था। डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य अकेडमी के उद्देश्यों में वर्णित है कि अकादमी प्रतिवर्ष एक प्रगतिशील, समतावादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित साहित्यकार को डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य अकेडमी साहित्य सम्मान से सम्मानित करेगी। अपने इसी उद्देश्य के अंतर्गत अकादमी ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर नमता सिंह जी को, वरिष्ठ साहित्यकार पद्मश्री अब्दुल सत्तार साहब को, वरिष्ठ कथाकार साहित्यकार श्री शेखर जोशी जी को, प्रख्यात उपन्यासकार साहित्यकार डॉक्टर अब्दुल बिस्मिल्लाह साहब को, वरिष्ठ उपन्यासकार कथाकार साहित्यकार सुश्री नासिया शर्मा जी को, सुप्रसिद्ध वरिष्ठ कवि श्री असद जैदी जी को, वरिष्ठ कथाकार साहित्यकार पद्मश्री मेहरुन्निसा परवेश जी को, वरिष्ठ कवि कथाकार पत्रकार श्री विष्णु नागर जी को, वरिष्ठ कथाकार उपन्यासकार नाटककार पद्मश्री गिरिराज किशोर जी को, उर्दू साहित्य जगत के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब को एवं वरिष्ठ साहित्यकार पत्रकार डॉक्टर शंभुनाथ जी को डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य अकेडमी से साहित्य सम्मान से सम्मानित कर चुकी है। साथियों, प्रारंभ से ही प्रतिवर्ष सम्मान समारोह डॉक्टर राही मासूम रजा के जन्म दिवस 1 सितंबर को ही आयोजित किया जाता रहा है, परंतु इस वर्ष यद्यपि 1 सितंबर को डॉक्टर राही मासूम रजा के जन्म दिवस पर कार्यक्रम हुआ, परंतु कुछ अपरिहार्य कारणों से सम्मान समारोह का आयोजन उस समय नहीं हो सका। आज अकादमी डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान समारोह का आयोजन कर रही है और वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री विभूति नारायण राय को सम्मानित कर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रही है। साथियों, अब मेरा निवेदन है और मैं अपना माइक राजुल जी को देता हूं। राजुल जी आगे से कार्यक्रम का संचालन करेंगे। राजुल जी राजुल जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामकिशोर जी, आपने बहुत विस्तार से सभी बातों के बारे में बताया और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं
आदरणीय डॉक्टर आफताब अमरीन जी से निवेदन करूंगी कि वो श्री विभूति नारायण राय जी के बारे में अपनी बात कहें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय विभूति नारायण सर, अध्यक्षता कर रही वरिष्ठ कथाकार आदरणीय नमिता मैम, इस आभासी मंच पर उपस्थित विद्वज्जन और इस आभासी मंच के ही माध्यम से हम सभी से जुड़े श्रोता, सम्मानित श्रोता, मैं अमरीन आफताब आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। क्षमा करें, मुझे विभूति नारायण राय सर पे बोलने के लिए संजय श्रीवास्तव सर हैं और वो काफी विस्तार से बताएंगे सर के बारे में, सर के अकादमिक जो पूरी यात्रा रही है उस विषय में। मैं बहुत संक्षेप में राही पर के जो कृतित्व है उसके कुछ पक्षों पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगी, अगर अनुमति हो तो। जी बिल्कुल। जी तो जी, जी। विभाजन, सांप्रदायिकता, धर्म, संस्कृति, भाषा, राष्ट्र, क्षेत्र जैसे विषयों पर बात की जाए और उसमें डॉक्टर राही मासूम रजा की सृजनात्मकता का उल्लेख ना आए तो पूरी चर्चा ही मानो जैसे अधूरी कही जाएगी। कारण ये है कि राही जिस मनोयोग से, जिस गहराई से इन विषयों को उठाते हैं और जिस तल्लीनता से उसे साहित्य के पटल पर रेखांकित करते हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, और शायद यही कारण है कि इन्हीं विषयों को लेकर बार 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 राही की चर्चा की जाती रही है और की जानी भी चाहिए। हम देखते हैं कि चूंकि धर्म, संस्कृति, सांप्रदायिकता इन विषयों से जुड़ी समस्याओं या चुनौतियों से हम वर्तमान में भी मुक्त नहीं हो सके हैं, बल्कि अगर ये कहें तो ज्यादा तर्कसंगत होगा कि ये समस्याएं और उनसे जुड़ी जो स्थितियां हैं और चुनौतियां हैं वो कहीं अधिक उग्र और भयावह रूप में आज हमारे सामने उपस्थित है। ऐसे में राही का लेखन और समूचा उनका वैचारिक चिंतन पुनः पुनः प्रासंगिक होकर हमारे सम्मुख उभरता है, और जिस जैसे जैसे इन विषयों से जुड़ी नई नई स्थितियां और चुनौतियां हमारे सम्मुख जब जब उपस्थित होती हैं तब तब हम राही को न केवल याद करते हैं बल्कि उनके द्वारा रचित साहित्य का उन समस्याओं के आलोक में नए सिरे से व्याख्यायित और विश्लेषित भी करते हैं। राही के यहाँ ये तो वे मुद्दे थे, महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिनके संदर्भ में राही की सृजनशीलता और वैचारिक चिंतन पर हमने भरपूर मंथन किया है, खूब विचार विमर्श किया गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त मुझे ऐसा लगता है कि राही के की जो रचनात्मक यात्रा है उसमें एक पड़ाव ऐसा भी है, एक पक्ष ऐसा भी है जिस पर बात किए जाने की आवश्यकता है, और वो पक्ष है स्त्रियों से जुड़ा पक्ष। और राही जब सांप्रदायिकता, विभाजन या ऐसी किसी भी विषय को उठाते हैं, किसी भी समस्या को, तो वे देखना दिलचस्प हो जाता है कि वे बड़ी सूक्ष्मता से स्त्रियों पर पड़ने वाले उसके प्रभावों को भी रेखांकित करते चलते हैं। हालांकि राही के साहित्य के विवेचन विश्लेषण के क्रम में ये स्त्रियों से जुड़ा संदर्भ कहीं पीछे छूट जाता है, और ऐसा केवल राही के ही साथ नहीं है, जिन भी अधिकांशतः जिन भी रचनाकारों ने सांप्रदायिकता या विभाजन आदि विषयों को लेकर आधार बनाकर लेखन किया है तो उन्होंने तो अपने लेखन में स्त्रियों पर पड़ने वाले उसके प्रभावों को बड़ी बारीकी से रेखांकित किया है, लेकिन जब प्रश्न उनके साहित्य के विवेचन विश्लेषण का आता है तो ये स्त्रियों की जो पूरी पीड़ा है और उनकी व्यथा है उसे हम विस्मृत करते चले जाते हैं, और उन्हीं मुख्य मुख्य मुद्दों पर ही बात होती जाती है, और कह सकते हैं कि एक ही तरीके से मूल्यांकन होता है, एक ही तरीके से हम उन पे बात करते हैं। तो आज के इस अवसर पर मैं ये प्रयास करना चाहूंगी कि राही के साहित्य का ये जो अलक्षित पक्ष है इस पर मैं कुछ प्रकाश डालूं। हालांकि इस योजना पर मैं कार्य कर रही हूँ और प्रयासरत हूँ कि शीघ्र ही इनकी कहीं प्रकाशित रूप में पढ़ने को मिले, लेकिन उससे पूर्व आज इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं। तो राही की रचनाओं में जब हम स्त्रियों के दशा निरूपण की बात करते हैं
तो दो मुख्य संदर्भ उभर कर आते हैं, एक जो तत्कालीन सामाजिक ढांचा और दूसरा विभाजन का संदर्भ। ये दो महत्वपूर्ण आयाम हैं जिनके इर्द गिर्द राही का जो समूचे रचनाकर्म में स्त्रियों की जो पूरी पीड़ा है या उनकी व्यथा है और उसकी पूरी जो का उसको समूचे कारुणिकता के साथ उसे बखूबी महसूस किया जा सकता है। राही स्वयं ऊंचे कुल और उच्च घराने से संबद्ध थे और वो जिस गहराई से उस दौर के जमींदार घरानों का चित्रण करते हैं वो वही व्यक्ति कर सकता है जिसे उस परिवेश का बखूबी उसे ज्ञान हो, जिसे जो उसमें रहा हो जिसमें। और राही के उपन्यासों में ऐसे कई पात्र मिलते हैं जो जाति की श्रेष्ठता के मिथ्या गौरव बोध से ग्रसित रहते हैं। ऐसे सामंती पात्र जिनके अहंकार और शोषण की शिकार केवल निम्न जाति की स्त्रियां नहीं हैं, उनके अपने घरों की स्त्रियां भी हैं। जो राही के उपन्यासों में जो निचली जाति की स्त्रियां हैं उनका शोषण तो दोहरा है ही, एक स्त्री होने के कारण और एक निचली जाति की स्त्री होने के कारण, निचली जाति के होने के कारण। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो तथाकथित संभ्रांत या उच्च वर्ग की जो स्त्रियां हैं उनकी स्थिति वहां कुछ भिन्न है। राही लिखते हैं कि बेनाम होना तो इन बहुओं की तकदीर है। हर तरह के अन्याय, हर प्रकार के शोषण को घर की चार दीवारी के भीतर रहकर, मूक रहकर झेलती ये स्त्रियां आजीवन आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझती रहती हैं। आर्थिक सुख तो है, संसाधनों की भी कमी नहीं है, लेकिन कोई अस्तित्व या पहचान अपनी नहीं है। राही कई उदाहरण देते हैं जिनमें तथाकथित जो उच्च वर्ग की स्त्रियां हैं वो जीवन पर्यंत अपने नाम तक से वंचित रहती हैं। उन्हें नफीस दुल्हन, अजीज दुल्हन जैसे संबोधन देकर नाम छीन लिया जाता है, जिसकी टीस उनके मन के किसी कोने में जीवन भर रहती है। वे किसी महत्वपूर्ण तो क्या साधारण से साधारण विषय पर भी अपने विचार व्यक्त किए जाने के योग्य नहीं समझी जाती। इस तरह घरों के भीतर घुटन और संत्रास भरे वातावरण में रहते हुए इन स्त्रियों के भीतर भी धीरे धीरे वही सामंती व्यवस्था घर करती चली जाती है। और हम देखते हैं कि जिस व्यवस्था की, जिस शोषण की वे खुद शिकार हैं, कालांतर में वे उसी की पोषक बनती चली जाती हैं। राही इस मनोविज्ञान को बहुत बारीकी से पकड़ते हैं। हालांकि ये जो विवेचन है ये केवल आधा गांव तक ही सीमित रह जाता है और कोई आगे के अन्य उपन्यासों में कोई इसका प्रभावी अंकन नहीं मिलता। विभाजन के संदर्भ में भी देखें तो राही के उपन्यासों में विभाजन और उसके दीर्घकालीन परिणामों और प्रभावों का बड़ा विस्तार से विवेचन मिलता है। वो विभाजन के कारण बाह्य परिवेश में जितनी उथल-पुथल मची उससे कहीं अधिक टूट-फूट मनुष्य के आंतरिक जगत में हुई, जिसे इतिहास ने नहीं, साहित्य ने दर्ज किया। राही के उपन्यासों में स्त्रियों के संदर्भ में विचार करें तो इस स्तर पर, यहाँ विभाजन के संदर्भ में उनकी पीड़ा बहुस्तरीय नजर आती है। उपन्यास ओस की बूंद की हाजरा को देखें, बेटे के पाकिस्तान चले जाने के कारण किस प्रकार तनाव और पीड़ा के गहरे दलदल में धंसती चली जाती है और अंततः अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है। दरअसल विभाजन से जो यातनाओं का दौर प्रारंभ हुआ उसने वर्तमान का तो नाश किया ही, साथ ही भविष्य को भी ग्रस लिया। विभाजन के कारण घर के पुरुष सदस्य तो पाकिस्तान चले गए और उनके पीछे रह गई एकाकी जीवन जीने को अभिशप्त स्त्रियां, निराश्रित स्त्रियां। वे कहाँ जाएं? आधा गांव की पात्र सल्लो हो या ओस की बूंद की आबिदा, हम अगर उनके व्यवहार को देखें या उनके व्यवहार में आते जा रहे परिवर्तन को देखें तो साफ साफ देख सकते हैं कि विभाजन की गूंज किस तरह इनके भीतर सुनी जा सकती, वो त्रासदी उनके भीतर गूंजती है। उनके पास विद्रूपताओं से भरा दयनीय वर्तमान है और भविष्य के नाम पर संशयग्रस्त और अंधकारमय जीवन। इसीलिए राही सवाल करते हैं, क्या इनके तकदीर में कोई भविष्य नहीं है? फिर खुद ही जवाब देते हैं, लेकिन भविष्य है किसके हिस्से में? भविष्य तो कहीं भी नहीं नजर आ रहा। तो
तो राही केवल सल्लो और आबिदा की ही बात नहीं है यहाँ। राही इनके माध्यम से उन असंख्य स्त्रियों की उस पीड़ा को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं जो वैयक्तिक और पारिवारिक स्तर पर टूटने के साथ साथ आर्थिक विडंबनाओं से भी घिर जाती हैं, आर्थिक समस्याओं से भी घिरती चली जाती हैं। और विडंबना देखिए कि भरण पोषण का जो दावा उन्हें अपने पति या पुरुष सदस्य या बेटे पर करना चाहिए, वो दावा उन्हें कस्टोडियन से करना पड़ता है। क्या ये स्त्रियां निर्जीव मकान या संपत्ति थी जिनकी देखरेख का जिम्मा कस्टोडियन का था? तो कहने का आशय ये है कि जो उस दौरान जो व्यवहार पीछे छूट चुकी वस्तुओं या निर्जीव सामान के साथ हो रहा था, वही इन स्त्रियों की भी नियति बन गई थी। इनके न वर्तमान रहा न भविष्य, रह गई तो केवल अतीत की स्मृतियां जिनमें आश्रय ढूंढने के ये निष्फल प्रयास करती नजर आती हैं, जिससे कि कुछ क्षण के लिए ही सही उनकी हताशा या अवसाद दूर हो सके। राही लिखते हैं कि हर जनाने कमरबंद में कुंजियों का भारी गुच्छा था, पर बक्स खाली थे। गुच्छों में फंसी हुई हर कुंजी एक लाश थी और सैदानियां इन लाशों से चिपटी पड़ी थी। तो विभाजन के कारण जो दारुण स्थितियां उत्पन्न होती गई, उसने किस तरह स्त्रियों के जीवन को विसंगति बोध से भर दिया, इसे सहज रूप में देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर कहें तो विभाजन के दौरान स्त्रियों ने जो कुछ स्वयं पर झेला और विभाजन के बाद भी उस त्रासदी की मार किस भयावह रूप में उन पर पड़ती है, और कालांतर में ये पूरी त्रासद घटना उनके व्यक्तित्व, उनकी मानसिकता का एक अभिन्न अंग बनकर उनके बचे खुचे जीवन को भी अंधकार के गर्त में ढकेलती चली जाती है। राही ने इसे अपनी रचनाओं में बड़ी संवेदनशीलता के साथ उजागर किया है। इसीलिए मैं अंत में ये कहना चाहूंगी कि राही को लेकर जब जब हम धर्म, संस्कृति और सांप्रदायिकता के विषय पर जब जब हम बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पर भी विचार किया जाना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बहुत सुंदर आफ्ताब जी, आपने डॉक्टर राही मासूम रजा के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बहुत सुंदर ढंग से विवेचना की और बहुत अच्छी तरह से उस पर चर्चा की। हमारे साथ पटल पर कुछ साहित्यकार जुड़े हैं। शकील सिद्दीकी साहब हैं, सभी साहित्यकारों को सादर नमस्कार कहा है। नमस्कार शकील जी। पूनम सिंह जी हैं, उन्होंने आदरणीय राय साहब को बधाई देते हुए कहा है, महत्वपूर्ण सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई। निर्णायक मंडल के सभी विद्वत जनों को बहुत बहुत साधुवाद, सार्थक चर्चा। तो इस सार्थक चर्चा में अब एक कड़ी और जोड़ते हैं, और एक बहुत ही विस्तार से जो बातचीत चल रही है उसमें आज की शाम का जो खास मुद्दा है, जो खास पहलू है, उस पर रोशनी डालने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी को, जो कि आदरणीय विभूति नारायण राव जी राय जी के व्यक्तित्व और साहित्य पर अपने विचार प्रकट करेंगे। आदरणीय संजय, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को अपना अभिवादन पेश करता हूं। आज के कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रही आदरणीय नमिता जी मुख्य अतिथि, प्रख्यात साहित्यकार विभूति जी, राही मासूम रजा फाउंडेशन के सेक्रेटरी, वरिष्ठ साहित्यकार रामकिशोर जी, डॉक्टर वंदना मिश्र जी जो इस फाउंडेशन की सेक्रेटरी हैं और हम सबके बहुत ही अजीज, हम सबकी आदरणीय हैं डॉक्टर वंदना जी, अलका प्रमोद जी संचालन कर रही थी अभी, राजूला जी। आज ये मौका राही साहब को याद करते हुए राय साहब को बधाई देने का है
तो सबसे पहले तो हम श्री विभूति नारायण राय जी को राही साहब का वाजिब विरासत का हकदार मानते हुए उन्हें आज जब इस फाउंडेशन की तरफ से सम्मानित कर रहे हैं तो यह हमारे लिए गर्व की बात है, यह गौरव की ही बात है। हिंदुस्तान में एक ऐसा लेखक है जो कंपोजिट कल्चर के लिए, जो साझी विरासत के लिए इस दौर में जब अब तक के इतिहास का सबसे काला अध्याय की राजनीति में लिखा जा रहा है, उस समय जब फांसीवाद से हम दो चार हैं, जब हमारे सामने चुनौतियां अलग अलग तरीके से खतरनाक तरीके से पेश हैं, वहां जो लोग बहुत ही मुखर होकर के सामने हैं उनमें विभूति जी का नाम शामिल है। आप देख सकती हैं कि दिल्ली में जो भी आयोजन हो रहे हैं, जिस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं जो हमारे प्रतिरोध को आगे बढ़ाते हैं, चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन रहा हो, चाहे वो किसान आंदोलन अभी रहा हो, विभूति जी ने बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया और उनकी ये भूमिका कोई नई नहीं है। आज हमें उनके बारे में बताना है तो यह महज औपचारिकता है। उन्हें जानते हुए, उनके काम को जानते हुए, उनके समग्र लेखन और उनका व्यक्तित्व इतना सबसे संस्कृत है कि उनकी नौकरी, उनका लिखना, उनका एक्टिविज्म, उनका सब कुछ, इसमें से किसी को अलगाया नहीं जा सकता। और राही साहब का जो काम रहा है, जिस तरह से भारतीय समाज में जो बंटवारा है, जो विभाजन की संस्कृति है, और जिस विभाजन की संस्कृति से आज लड़ते लड़ते हम यहाँ तक आ गए हैं, आज जाने क्या आगे का समय बताएगा कि क्या होने वाला है, और हम हमेशा संशय में है कि ये व्यवस्था किस तरफ हमें ले जा रही है आने वाले समय, खतरा उस समय। राही साहब का जो भी लिखा हुआ है, राही साहब पर बहुत विस्तार में अभी हमसे पूर्व वक्ता वो बात कर रही थी, तो बहुत ही बड़ा अच्छा लग रहा था। और सचमुच राही साहब के तो हम पाठक हैं, राही साहब को लेकर के जितना भी अलग से बात किया जाए वो कम है। और उनकी शताब्दी पर विभूति जी ने अपने यहाँ आजमगढ़ में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी और एक बड़ा सामाजिक सक्रियता का केंद्र बनाया है, श्री रामानंद सरस्वती पुस्तकालय। पहली दफा मुझे वहां जाने का मौका मिला था और राही मासूम रजा शताब्दी के अवसर पर वहां नामवर जी और भी लोग थे, मुझे याद आ रहा है कमलेश्वर जी और रविंद्र कालिया, ये सभी लोग वहां पहुंचे थे। एक बहुत बड़ा आयोजन था। तो राही मासूम रजा को याद करते हुए हम हमेशा इस अंधेरे समय में चल रहे हैं। हमारे इस अंधेरे समय की वो एक लैंप पोस्ट की तरह से हैं, जिनकी रोशनी में हम हर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हमें वक्तव्य में विभूति जी के बारे में जो कहने के लिए कहा गया कि उनके उनके व्यक्तित्व के बारे में, तो उसकी औपचारिकता सिर्फ इतनी है कि वे पुलिस विभाग के अधिकारी रहे, और पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी और विभिन्न पदों पर, उन महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए उन्होंने जो अनुभव किए उसको उन्होंने लिखा, और ऐसा लिखा कि वो इतिहास में दर्ज करने के लायक है। चाहे वो शहर में कर्फ्यू, उनका उपन्यास तो जो बहुचर्चित उपन्यास है, उसके पाठकों का दायरा बहुत बड़ा है, और उसने सबसे पहले इनको लोकप्रियता प्रदान की शहर में कर्फ्यू ने, और उसके बाद फिर तबादला। इसी व्यवस्था में रहते हुए कोई इतना महत्वपूर्ण अधिकारी उस सच्चाई का बयान करता है, ये साहस करता है, ये कोई मामूली बात नहीं है। वी एन राय जी ने SSP रहते हुए, DIG रहते हुए, विभिन्न पदों पर रहते हुए कैसे तबादला होता है, किस किस तरह से शासन सत्ता के बीच में एक अधिकारी को झेलते हुए अपना काम करना पड़ता है, उस व्यस्त नौकरी में इन्होंने लगातार लेखन किया। इनकी जो कृतियां हैं आप सभी जानते हैं, जिसमें सबसे मशहूर और ये जो उपन्यास है, घर है, शहर में कर्फ्यू है, तबादला है, प्रेम की भूत कथा है, सबसे बाद में लिखा है। और तो उस नौकरी के दौरान
जब आपने अपने जीवन का सबसे कट अनुकट अनुभव और एक ऐसा प्रत्यक्ष दर्शी अनुभव जो संक्रमण के रूप में है, हाशिमपुरा 22 मई। हाशिमपुरा मेरठ में एक इलाका है जहाँ के बारे में आपने लिखा है, आप सभी जानते होंगे और वो बहुत ही चर्चित हो चुका है, आपने उसको उद्घाटित किया था। उसमें सांप्रदायिक दंगे में किस तरह से सैकड़ों लोगों मुसलमानों को मार करके मकनपुर गांव के किनारे की नहर में फेंक दिया जाता है, उसमें बहुत से मर चुके हैं, कुछ जिंदा हैं, उसके उसकी तफ्तीश में एक SSP सीधे घुसता है और कल सुबह से होने वाले दंगे की संभावना को देखते हुए उस मामले को पहले चेकअप करता है, वो खत्म होता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती कि शांति और अमन चैन कायम करना है। इन्होंने उसके मुलजिमों की तलाश की और वो मुलजिम कहीं बाहर नहीं थे, वो विभाग में थे, वो पुलिस विभाग के लोग थे जिनका काम अमन चैन रखना है, जिनका काम सांप्रदायिक सद्भाव सामाजिक सद्भाव कायम करना है। उन्होंने दंगे दंगाई की भूमिका निभाई थी, उन्होंने दंगाई न करी अपराधियों की भूमिका निभाई थी और उन्होंने उसको रेखांकित किया, उन पर FIR लागू हुआ। एक लंबे समय के बाद उस मुकदमे में पुलिस के उन दोषियों को सजा हुई। अपनी नौकरी में रहते हुए उस नौकरी के अंदर लड़ना और उसमें सामाजिक चुनौतियों और उन खतरों को लेकर के लगातार सतर्क रहना, ये विभूति नारायण राय की सबसे बड़ी खासियत रही। प्रशासनिक कार्य का उन्होंने जो उसका जो अनुभव लेखन में दिया, तो उसके अंदर लड़ते हुए संघर्ष करते हुए उन्होंने उसकी प्रस्तुति की, मुझे तो हैरानी होती है कि बहुत सारे अधिकारी इतने सभी जवान से बोलते हैं, इस तरह से होते हैं, आश्चर्य होता है कि नौकरी में रहते हुए उन्होंने सांप्रदायिक दंगों में पुलिस की भूमिका जैसी किताब लिखी और अनेक उनके सारे लेखन हैं, आप सभी उसको देख सकते हैं। गुजरात के दंगे के दौरान देश भर के IPS अफसरों को आपने खत लिखे, नौकरी में रहते हुए कोई आदमी इतनी बड़ी चुनौती इतना बड़ा खतरा उठाता है, वो एक लेखक होने के नाते उठाता है, वो एक संवेदनशील सामाजिक प्राणी होने के नाते उठाता है और उनका वो लेखकीय व्यक्तित्व है, वो विभूति जी का आत्मसंघर्ष है, जो आत्मसंघर्ष उनकी रचनाओं में बराबर दिखता है, उनके कथाकार व्यक्तित्व में दिखता है। मैं तो जानता हूँ और सभी जानते हैं कि वे सतत लेखनरत रहे हैं, कोई समय नहीं है जब उनका महत्वपूर्ण लेखन सामने ना आया हो। वर्तमान साहित्य पत्रिका की उन्होंने स्थापना की, उसका संपादन लंबे समय तक करते रहे, बाद में कुंवर पाल जी, नमिता जी और भी रविंद्र कालिया, भारत भारद्वाज जी जुड़े, एक महत्वपूर्ण पत्रिका, अंत से पहले की पत्रिका। जब हमारे बीच में कोई ऐसी पत्रिका सारिका तो थी और भी थी, लेकिन जो सामान्य लेखकों के लिए पत्रिका नहीं थी, उस पत्रिका की शुरुआत विभूति जी ने की और उसके ऐसे ऐसे अंक निकाले जो अपने में इतिहास बन गए, 100 वर्ष की कहानियों पर, 100 वर्ष की कविताओं पर। ये सब जो काम है बी.एन. राय जी का, बहुत महत्वपूर्ण काम है। उन्हें प्रतिरोध की संस्कृति के राजा विरासत के उद्वाहक के रूप में हम लोग देखते हैं पूरे देश में। इनके जो कालम आते हैं हर महीने 2 बार हिंदुस्तान में जो कालम छपता है, उसने मुझे लगता है राय साहब का की लोकप्रियता और पाठकीय दायरे में कई गुना ज़्यादा इजाफा किया है। और वो हुए ऐसे मुद्दों पर होते हैं जो एक सलाह के रूप में होते हैं, एक लेखक की सलाह, एक साहित्यकार की सलाह के रूप में, उसका नाम भी है राय की राय करते हुए। तो जिस तरह से हम उस कालम को पढ़ते हैं, तो ये समझ सकते हैं कि अगर कोई समझदार सरकार या प्रशासन के संचालक होते तो भी शायद उससे कुछ जरूर लेते, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी, राष्ट्र के अंदरूनी मामलों पर भी, सामाजिक समस्याओं पर भी, आंदोलनों पर जी, है जो उनकी
इनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, जो फैलाव सलाह स्तंभ लेखन करते हैं, तो वो एक रास्ता देता है। तो हमारे समय में उन सारे खतरों को उठा करके लिखने वाला, उन सारे तरीकों से मुठभेड़ करने वाला, जो फासिज्म के जितने भी खतरे हैं, जितने भी उसके दुर्ग हैं, उस पर हमला करने की क्षमता रखने वाला, अगर कोई लेखक हमें दिखाई पड़ता है, हम आज की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो जेल में है, चाहे वे वरवर राव हो, चाहे वो गौतम नौलखा हो, चाहे हमारे अन्य लेखक हों, हम सभी यहाँ खड़े हैं और उसी साहस के साथ इस बात को कहते हैं कि हमें यह समय मंजूर नहीं है। हम हबीब जालिब के साथ खड़े हैं, हम फैज अहमद फैज के साथ खड़े हैं, हम राही मासूम रजा के साथ खड़े हैं, हम देश की उस विरासत के साथ खड़े हैं जिसे हम कभी तार तार नहीं होने देंगे, उसके लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। मुझे लगता है कि विभूति नारायण राय का यदि मूल्यांकन किया जाएगा तो इन्हीं संदर्भों के लिए किया जाएगा कि उन्होंने हर दम अपने कुछ समग्र लेखन को, अपने समूचे अभिव्यक्ति के प्रयासों को उन्होंने अगर लगाया तो इसलिए लगाया कि देश का वो हजारों साल का ताना बाना टूटने न पाए। निश्चित रूप से राही मासूम रजा फाउंडेशन की तरफ से जब उनको सम्मानित किया जा रहा है तो हमें बेहद खुशी है कि एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित, एक ऐसे लेखक को सम्मानित किया जा रहा है जिसका हर वक्त, जो हर वक्त लिखने के साथ सोचने में, उसकी चिंता में डूबता है, उसकी फिक्र होती है। विभूति जी उस विरासत के हकदार हैं जिन्होंने इस देश को हर समय बचाने, संभालने और उस ताजी विरासत के साथ आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभाई है। राय साहब को पुरस्कार भी मिले, मुझे नहीं लगता कि कुछ पुरस्कार, और जो आज का लेखक है लगातार पता चलता रहता है, यहाँ सम्मान वहाँ सम्मान, तो राय साहब वर्धा विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति रहे और वहाँ रहते हुए इन्होंने बड़े काम किए, साहित्य के लिए इतना बड़ा योगदान रहा इनका, वहाँ 5 साल का कार्यकाल अविस्मरणीय है। वो समय एक पुलिस अधिकारी का की भूमिका देख सकते हैं, दूसरी तरफ एक एकेडमिशियन की भूमिका आप देख सकते हैं, उस 5 साल के अंदर बहुत कम वक्त होता है। इन्होंने वहाँ शब्दकोश के लिए, संग्रहालय के लिए, पुस्तकों के, दुर्लभ पुस्तकों के संरक्षण के लिए बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आगे आने वाले समय के लिए बहुत ही मूल्यवान साबित होंगे। विभूति जी ने वो काम वहाँ किया, वहाँ पांडुलिपियों का, तमाम विशिष्ट लेखकों की पांडुलिपियाँ जो उनके घरों में पड़ी थी या इधर उधर बिखरी थी, उनको संग्रहित करके महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में उनको इकट्ठा कराया, उन्हें रखवाया, उनका संरक्षण किया। अनेक ऐसे साहित्यकार जिनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ ये बड़े प्रकाशक नहीं छाप रहे थे, उन्हें छपवाने का काम किया। तो एक बड़ा योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, लेखन की दृष्टि से देखा जाए तो सामाजिक ताजी विरासत को आगे ले जाने के लिए, और इस तरह का एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में जिसकी आज खास जरूरत है। निश्चित रूप से प्रगतिशील लेखक संघ ने उन्हें जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना तो हम सब के लिए बहुत ही संतोष की बात रही। ये एक समय है जब हम दिल्ली में लगातार अनेक मोर्चों पर होते हैं, वे मोर्चे भिन्न भिन्न रूपों में होते हैं, और ये सरकार पूरी बेशर्मी के साथ नए नए एजेंडे लेकर के आती है और हमें रोज रोज नए नए आंदोलन की भूमिका में, आंदोलन की शक्ल में खड़े होना पड़ता है, क्योंकि देश में कोई राजनीतिक विपक्ष नहीं है, अगर है तो अरमरा है, मृतप्राय है। सांस्कृतिक आंदोलन ही एक ऐसा सजग आंदोलन है जो इस देश के लिए लड़ रहा है, देश की लोक, देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहा है, यहाँ के साझा विरासत को बचाने के लिए लड़ रहा है। विभूति नारायण राय की वो अग्रणी भूमिका है, वो एक ऐसी भूमिका है जिसको रेखांकित किया जाए, और उसको राही फाउंडेशन, राही मासूम रजा फाउंडेशन ने जिस तरह से किया, हम
आभार व्यक्त करते हैं और निश्चित रूप से जो भी सूची का वाचन हुआ उसमें जिन विशिष्ट लेखकों को सम्मानित किया गया उस कड़ी में विभूति नारायण राय का नाम शामिल होना इसके महत्व को इससे और गौरवशाली बनाते हुए महत्वपूर्ण सूची में और एक ऐसी भूमिका तय करता है कि राही मासूम रजा फाउंडेशन अपने उस काम को सामाजिक गतिविधियों के सक्रियता के क्षेत्र में जिसलिए जाना जाता है उसमें महत्व भूमिका अदा कर रहा है। राही मासूम रजा फाउंडेशन को बधाई देते हुए और राय साहब पर बात करना और उनके बारे में कुछ भी कहना, वे इतने लोकप्रिय लेखक हैं बारे में अलग से बताने की जरूरत नहीं है। वे एक ऐसी शख्सियत के रूप में हैं जो न सिर्फ पूर्वांचल उत्तर प्रदेश बल्कि वे राष्ट्रीय स्तर पर छाए हुए हैं। हम लोग उन्हें अनेक अनेक भूमिकाओं में देखते हैं, उन्हें हम बधाई देते हैं और आज के दिन इस मौके पर फिर और अगले कार्यक्रम के रूप में शायद ये उम्मीद करते हुए हम चल रहे थे कि ये भौतिक रूप से संपन्न होगा। सम्मान समारोह का आयोजन जब भौतिक रूप से होता है तो उसका उसका प्रभाव उसका सुख कुछ और होता है, लेकिन जिस तरह की इधर 2-3 साल से विडंबनाएं सामने हैं महामारी के रूप में उसका प्रकोप है कि फिर ऑनलाइन की शरण में आना पड़ा है और लगता है अभी आगे चलेगा, स्थिति ऐसी बदतर होती जा रही है। तो वीर राय साहब को बधाई देते हुए और राही साहब को आज के दिन खराब अकीदत पेश करते हुए अपने सभी साथियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे दो शब्द बोलने का मौका आपने दिया और बहुत बहुत बधाई राय साहब और बहुत बहुत धन्यवाद राही मासूम रजा फाउंडेशन के लिए। आदरणीय डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आदरणीय डॉक्टर विभूति नारायण राय जी के बारे में और उनकी कृतित्व के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की। मैं आदरणीय रामकिशोर जी को ये बताना चाहूँगी कि डॉक्टर दिनेश कुमार जी अभी हमारे साथ जुड़ नहीं सके हैं, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए और इस बीच आप कुछ कहना चाहेंगे रामकिशोर जी? आप संचालन कर रही हैं, आप उचित समझती हैं, आप आगे बढ़ाइए फिर। तो अब मैं अपनी बात से एक बात वो जोड़ना कहते कहते रह गया था कि इंदुमती डॉक्टर इंदु कथा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान जो दिया गया उसके बाद ये दूसरा सम्मान है जो विभूति जी को दिया जा रहा है। सरकारी नौकरी में राष्ट्रपति पदक आज तमाम होते थे, ये जनता का सम्मान है। तो जो प्रेमचंद को राय साहिबी मिली तो सर का खिताब तो उन्होंने ठुकराया था और कहा था कि मुझे जनता की राय साहिबी पसंद है सरकार की नहीं। तो आज इस मौके पर जनता की तरफ से ये दिया जाने वाला सम्मान है, बहुत महत्वपूर्ण सम्मान के लिए। तो अब मैं दिनेश जी से अभी भी बात हुई है मेरी, वो कह रहे थे मैं जुड़ूंगा, मुझे तो 5 बजे का मालूम था, मैंने कहा कि नहीं मैंने बता दिया। खैर वो कह रहे थे अब देखिए जुड़ पाते हैं कि नहीं, लेकिन आगे कार्यक्रम बढ़ाइए। अब मैं आग्रह करूंगी आदरणीय अलका प्रमोद जी से कि वो आदरणीय विभूति नारायण राय जी का सम्मान पत्र पढ़ें। उनसे अनुरोध है आदरणीय अलका प्रमोद जी। धन्यवाद राजुल जी। सम्माननीय विभूति नारायण राय जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षा डॉक्टर नमिता सिंह जी और मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपके सामने डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य अकेडमी की ओर से आदरणीय विभूति नारायण राय जी को दिया जाने वाला सम्मान पत्र प्रस्तुत कर रही हूँ। डॉक्टर राही मासूम रजा अकेडमी सम्मान पत्र। प्रगतिशील जनवादी लोकतांत्रिक
एवं धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति समर्पित प्रतिष्ठित साहित्यकार विभूति नारायण का जन्म 28 नवंबर 1950 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। वह अंग्रेजी भाषा से स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करने के बाद वर्ष 1975 के बैच के यूपी कैडर के आईपीएस की प्रतियोगिता में चयनित हुए तथा पुलिस महानिदेशक के दायित्वपूर्ण पद का निर्वाह किया। तत्पश्चात वह महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे। विभूति नारायण राय इन महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहने के साथ साथ हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकार भी हैं। उन्होंने देश विदेश में हिंदी के लिए विपुल कार्य संपन्न किए। उनके सृजन का आयाम बहुत विस्तृत है। उन्होंने उपन्यास, व्यंग, संस्मरण, अनुवाद, संपादन की विधाओं से अपनी उपस्थिति दर्ज की है। विभूति नारायण का सृजन लोक विराट है। उनके अब तक प्रकाशित उपन्यास हैं घर, शहर में कर्फ्यू, किस्सा लोकतंत्र, तबादला और प्रेम की भूतकथा। व्यंग संग्रह हैं एक छात्र नेता का रोज नामचा, वैचारिकी, रणभूमि की भाषा, संस्मरण, हाशिमपुर 22 मई। उनकी आलोचनात्मक कृति है कथा साहित्य के 100 बरस। विभूति नारायण ने सुप्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका वर्तमान साहित्य के संस्थापक और संपादक के रूप में हिंदी की सेवा की तथा कथा साहित्य के 100 बरस एवं समकालीन हिंदी कहानियों का भी संपादन किया। विभूति नारायण की कृतियों का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। घर का पंजाबी में, शहर में कर्फ्यू का उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, असमिया, मलयालम, मणिपुरी व अंग्रेजी में, किस्सा लोकतंत्र का पंजाबी में, तबादला का उर्दू व अंग्रेजी में तथा प्रेम की भूत कथा का कन्नड़, उर्दू व अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी विभूति नारायण के ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य को भी समृद्ध किया है। उनकी अंग्रेजी की कृतियां हैं कम्बेटिंग कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट परफेक्शन परसेप्शन ऑफ पुलिस, न्यूट्रली ड्यूरिंग हिंदू मुस्लिम रायट्स इन इंडिया, रेनेसा पब हाउस, लेटर्स एड्रेस टू ऑल आईपीएस ऑफिसर्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग गुजरात रायट्स इन 2002। विभूति नारायण राय को हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए अनेक सम्मानों एवं पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। प्रशासनिक क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार तथा पुलिस मेडल से सम्मानित विभूति नारायण साहित्यिक क्षेत्र में इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान, सफदर हाशमी सम्मान, फणीश्वर नाथ रेणु सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदत्त सम्मान आदि अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी ने उनको फेलोशिप प्रदान की। वर्ष 2015 में विभूति नारायण के उपन्यासों पर केंद्रित पुस्तक उपन्यास लोकतंत्र और सांप्रदायिकता प्रकाशित हुए। समाज के प्रति संवेदनशील विभूति नारायण ने साहित्य ही नहीं सामाजिक क्षेत्र में भी अपना अमूल्य योगदान दिया। आजमगढ़ में श्री रामानंद सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की तथा साहित्यिक एकेडमी, नेशनल बुक ट्रस्ट एवं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तथा सांझी दुनिया से संबद्ध रहे। हिंदी साहित्य में समय के शिलालेख पर अपना स्थान बनाने वाले प्रतिष्ठित आलोचक, संपादक, जनवादी, लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष विचारों के धनी प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री विभूति नारायण राय को डॉक्टर राही मासूम रजा सम्मान से सम्मानित करते हुए डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य एकेडमी स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही है। वंदना मिश्र अध्यक्ष, रामकिशोर महामंत्री, दिनांक 1 सितंबर 2021 के लिए। धन्यवाद। मैं अंत में
आदरणीय विभूति नारायण राय जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूंगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं, मेरा आग्रह है आदरणीय विभूति नारायण राव जी से कि वो अपने विचार व्यक्त करें। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा आदरणीय नमिता सिंह जी, राही मासूम रजा अकादमी के महासचिव रामकिशोर जी, वंदना जी और बहुत सारे मेरे मित्र यहाँ उपस्थित हैं, उन सभी का स्मरण करते हुए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राही मासूम रजा अकादमी को कि उन्होंने इस सम्मान के योग्य मुझे समझा। मैं दो कारणों से बहुत कृतज्ञ हूँ। एक तो राही मासूम रजा मेरे प्रिय लेखकों में रहे, मुझे अगर आप सोते से भी उठा दीजिए तो कम से कम आधा गांव के मैं 10-12 डायलॉग्स तो मैं किसी भी क्षण आप मुझसे मुझे कहें तो मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इस किताब को मैंने इतनी बार पढ़ा है कि मुझे एक तरह से आप एक दौर में तो वो पागलपन की हद थी। बहरहाल राही मेरे प्रिय लेखक रहे, उनकी और रचनाएं भी उतनी महत्वपूर्ण हैं। और जब ये सम्मान के लिए मुझे सूचित किया गया तो मुझे खास तौर से बड़ी खुशी हुई। बल्कि आज हमारी एक साथी जो राही के महिला विमर्श पे बात कर रही थी तो मुझे एकदम से लगा कि इस संदर्भ में या इस प्रसंग में तो हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। हम राही को हमेशा सांप्रदायिकता विरोधी या जिसे आप कह सकते हैं गंगो जमनी तहजीब का समर्थक या इस तरह के खाने में रख कर के देखते रहे, तो ये एक बहुत मतलब एकदम नया अछूता पक्ष था राही का जो स्त्री विमर्श था, तो वो सुन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। दूसरा कारण इस सम्मान को पाने के बाद खुशी का इसलिए भी मेरे लिए हुआ क्योंकि जिस पुस्तकालय का यहाँ बार बार जिक्र किया गया उसमें आदरणीय कोरपाल सिंह जी की मदद से जो आधा गांव का पहली बार उर्दू में जो प्रकाशन हुआ वो हमारे पुस्तकालय ने ही किया, बावजूद इसके कि नमिता जी खैर बेहतर जानती हैं कि कोरपाल जी ने तो इनिशियली इसे फारसी स्क्रिप्ट में ही लिखा था, उर्दू में ही लिखा था, लेकिन उर्दू में कोई प्रकाशक उन्हें मिला नहीं। और उसका कारण बड़ा स्पष्ट है, आप सब जिन्होंने आधा गांव पढ़ा होगा सबको पता है कि जिस तरह की भाषा और जिस तरह के मुहावरों का इस्तेमाल राही कर रहे थे वो शायद उर्दू के प्रकाशकों को पहचाना थोड़ा मुश्किल था। तो एक तरह से मेरे गांव के पुस्तकालय ने उसे पहली बार छापा उर्दू में। और जिधर संजय श्रीवास्तव जी जिसका जिक्र कर रहे थे कि हम लोगों ने एक कार्यक्रम वहाँ किया था राही और खड़ी बोली की परंपरा पर, और उसमें आदरणीय नमिता जी भी थीं, आदरणीय कोरपाल सिंह जी भी थे, कमलेश्वर थे, रविंद्र कालिया थे, असगर वजाहत थे, ममता कालिया थी, बहुत सारे हिंदी के मुझे लगता है करीब 40-50 लोग बड़े नाम जो हो सकते हैं हिंदी के वो सभी उसमें शरीक हुए थे। और जोकहरा से लेके गंगौली तक एक यात्रा हमने निकाली थी जिसमें सब गए थे। तो इन दोनों कारणों से जैसे ही मुझे ये कहा गया, वंदना जी ने मुझे लगता है कि या नमिता जी ने सबसे पहले सूचना दी, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि एक ऐसे लेखक के नाम पर एक ऐसे लेखक से जुड़े सम्मान से मुझे नवाजा जा रहा है जो मेरा प्रिय लेखक है, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे कोई लंबा वक्तव्य नहीं देना है, सिर्फ ये कहना, देखिए राही आज हमारे लिए ज़्यादा प्रासंगिक हो गए। राही जिस समय लिख रहे थे 60-70-80 के दशक में, 90 के दशक में जब महाभारत के डायलॉग्स लिख रहे थे तब भी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अब जो पार्टीशन के बाद जिस तरह की स्थितियां हमारे देश में रहीं, जिस तरह से सांप्रदायिकता का बीच बीच में उभार होता रहा, कभी वो दबी नजर आती थी, चुनावों में उसका किस तरह इस्तेमाल होता था, तो ये सब महत्वपूर्ण था और राही के लेखन से ये रेखांकित होता था। लेकिन आज तो राही की उपस्थिति और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है,
क्योंकि एक बड़ा खतरा हमारे सामने है। मैं जाहिर है कि अब लंबा कोई वक्तव्य ना तो उचित होगा ना प्रासंगिक होगा, बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए एक बड़ा खतरा हमारे देश के सामने है। अब चुनाव होने जा रहे हैं, जिस प्रदेश में हम बैठे हैं वहां भी चुनाव हो रहे हैं 2014-2019 इन सब में जो केंद्र मतलब जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें भी इस खतरे की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित हुआ कि देखिए लोकसभा में जो लोकतंत्र में मेजॉरिटी पाना एक महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपके पास मेजॉरिटी है, अगर आपके पास बहुमत है तो आप सरकार बना सकते हैं। बहुमत का मतलब ये नहीं कि 50% से ज्यादा लोग आपके साथ हो, बहुमत का मतलब ये है कि आप दूसरे अन्य दलों से ज्यादा आपके पास सीटें या वोट हो, सब मिला करके आपके मुखालिफ आपसे ज्यादा हो सकते हैं। यानी अगर आप 52 से लेकर के आज तक जितने चुनाव हुए हैं, मुझे लगता है शायद अपवाद ही कोई ऐसा चुनाव होगा जिसमें 50% से ज्यादा लोगों ने रूलिंग पार्टी को वोट दिया हो। 30-35-40% वोट पा करके एक पार्टी सत्ता में आती थी, हमेशा होता था, इसका कोई विकल्प नहीं है लोकतंत्र में। अभी तक तो कम से कम मेरी जानकारी में कोई और मतलब भारतीय संदर्भ में कोई विकल्प नहीं है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि मेजोरिटी और मेजोरिटेरियनिज्म, देखिए दो शब्द हैं, बहुसंख्या और बहुसंख्यकवाद, इन दोनों का फर्क खत्म कर दिया गया। अब ये मेजोरिटी पाने वाला दल मेजोरिटेरियनिज्म में विश्वास कर रहा है, उसको ऐसा लगता है कि अगर उसे मेजोरिटी मिल गई, अगर उसे बहुसंख्या मिल गई, बहुमत मिल गया, तो वो पूरे देश की आवाज है। उसके सोचने का तरीका, पूरे देश के सोचने का तरीका होना चाहिए। एक कुछ दशकों पहले एक बहस चलाई जाती थी उसी पार्टी के द्वारा, जिसमें कहा जाता था कि साहब एक ऐसी धारा होनी चाहिए जो हमारी राष्ट्रीय धारा हो, जो हमारे एक कलेक्टिव जिसके बारे में हम सोच सकें और हम अपनी सारी पुरानी स्मृतियों का लोप करके हम अपने सारे जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, उन सब को भूल करके हम एक कोई बहुसंख्यक या जिसे आप कह सकते हैं कि एक शब्द इस्तेमाल होता था जिसे ये कहा जाता था कि मूलधारा है, यही हमारी मूलधारा है और सारी छोटी मोटी धाराएं जो इधर उधर हैं इनको आगे उसमें समाहित हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कभी इतने एग्रेसिव तरीके से हुआ नहीं था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि राज्य बहुत एग्रेसिव तरीके से एक खास धर्म को और एक खास तरह के सोचने के तरीके को, एक खास तरह के जो मूल्य बोध हैं उनको वो ये कहे कि यही हमारी मुख्य धारा है और इस मुख्य धारा में बाकी सारी छोटी धाराओं को समाहित हो जाना चाहिए। लेकिन आज ये हो रहा है, ये संभव हो रहा है कि एक मंदिर पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाए। आप सोचिए जिस देश में शिक्षा की जो हालत है हम देख रहे हैं, चिकित्सा के जो संसाधन है वो हमने अभी एक महामारी से होकर हम गुजरे हैं, हमने देखा है कि लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए। हम अपने 50% जो हमारे जो मृत्यु हुई थी वो 50% बचाई जा सकती थी अगर हम ये 1,000 करोड़ हम वहां खर्च कर पाए होते। तो ये एक बड़ा खतरा है जो मेजोरिटेरियनिज्म की तरफ मेजोरिटी को ले जा रहा है। मुझे लगता है कि आज जब हम राही को याद कर रहे हैं, और मैं तो बहुत गौरवान्वित हूँ कि राही के नाम पर एक सम्मान मुझे दिया जा रहा है और मुझे अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है, तो मैं तो यही कहूंगा कि हमें इस खतरे से बचने की कोशिश करनी चाहिए और हमें ये बताना पड़ेगा कि जो बहुसंख्या है और जो बहुसंख्यकवाद है इन दोनों में फर्क है। और इस देश की कोई मुख्य धारा नहीं है, इस देश में बहुत सारी धाराएं हैं, अलग अलग छोटी बड़ी नदियां हैं जो एक दूसरे से मिलती हैं और बहती हैं। इस देश में कोई एक परंपरा नहीं हो सकती, एक मूल्य बोध नहीं हो सकता। इस देश की जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उसे बचाए जाने की जरूरत है। आज राही को याद करते हुए अगर हम इसी यही निर्णय निश्चय बार बार दोहराएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जाएं, चुनाव होने वाले हैं,
उन चुनाव में इस जो भी हमारे जाहिर है लेखकों के कोई बहुत, मैं इस गलत फहमी में नहीं हूँ कि कोई बहुत बड़ा फर्क एक लेखक जाके कर सकता है, लेकिन ये भी सही है कि लेखक एक तरह से झकझोर सकता है, लेखक एक तरह से हिला डुला सकता है। यहाँ नमिता जी मौजूद हैं, मैंने मुझे याद है कि एक बहुत भयानक दिन थे 90 के आसपास जब कुंवर पाल जी जिंदा थे और सक्रिय थे, तो इन्होंने इन पति पत्नी इस पति पत्नी ने बिना किसी हथियार, बिना किसी बड़े संसाधन, बिना किसी कोई बड़े समूह के समर्थन के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी जगह पर जो काम किया वो हम लोगों के लिए एक उदाहरण था। तो हम छोटे पैमाने पर ही सही, जहाँ कहीं हम हस्तक्षेप कर सकें हमें करना चाहिए। और राही की इस बात को, जो राही का पूरा लेखन जो है वो जिस बात की तरफ इंगित करता है, उसे हमें भी रेखांकित करना चाहिए कि ये देश तभी बचेगा जब इसमें गंगो जमनी तहजीब बचेगी, जब इसमें वो सारी धाराएं बचेंगी जिनसे मिल करके मुख्य धारा बनती है। यहाँ पर कोई एक मुख्य धारा नहीं है जो बाकी सबको हहराती लहराती बाढ़ की तरह सब सबको बहाती हुई चली जाए। ये सारी छोटी छोटी धाराएं जो मिल करके हमारे देश की मुख्य धारा बनेंगी, जो ये राही का एक, राही के को पढ़ने से जो कुछ हमारे समझ में आता है इसे हमें पहुंचाना चाहिए। और मैं एक बार फिर नमिता जी का, रामकिशोर जी का, वंदना जी का, इन सब का बहुत आभारी हूँ। ये राही मासूम रजा अकादमी से जुड़े हुए सारे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि राही के नाम पर संस्थापित एक सम्मान मुझे नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया। हृदय से धन्यवाद आदरणीय विभूति नारायण राय जी के सुंदर विचार सुनने के पहले। और जो छोटी छोटी धाराओं से मिलकर एक बड़े प्रवाह की बात आपने कही वो वाकई दिल को छू गई। यही एक सुफल होता है जब इस तरह के समय होता है और इस तरह के आयोजन होते हैं तो उनमें आप जैसे वरिष्ठ साहित्यकारों को सुनने का मौका मिलता है, ये मेरा सौभाग्य है। अब आज के इस कार्यक्रम में मैं उस पड़ाव पर जा पहुंची हूं जब वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर नमिता सिंह जी से मेरा अनुरोध है कि वो अपना अध्यक्षीय भाषण से हमें प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर नमिता सिंह जी। धन्यवाद राजुल जी, ये बहुत मेरे लिए आज बहुत खुशी की बात है कि आज 1 सितंबर को जो कार्यक्रम किसी कारणवश नहीं हो पाया था वो आज हम संपन्न कर रहे हैं। और विभूति जी हम लोगों के बहुत प्रिय मित्रों में रहे हैं और सबसे पहले तो मैं उन्हें इस बात के लिए भी बधाई दूं कि वे इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रगतिशील लेखक संघ के वो बने हैं। और उनके साथ कुंवर पाल सिंह की निकटता का मैं एक वो वाक्य बताऊं कि जब उनके ऊपर एक बार ये हुआ था कि कौन पहला व्याख्यान कुंवर पाल सिंह स्मृति व्याख्यान में कौन सबसे पहले इसमें वक्ता होगा, तो सबकी एक एक राय हुई थी कि विभूति जी पहले व्याख्यान करता होंगे। तो कुंवर पाल सिंह स्मृति सम्मान जो उनके मृत्यु के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया था तो उसका पहला व्याख्यान विभूति जी ने ही दिया था। तो ये भी एक हम लोगों के लिए, मतलब कम से कम मेरे लिए भी एक बहुत एक इमोशनल बात भी है कि उन्होंने पहला व्याख्यान दिया। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में सभी, मैं सबसे पहले
उनका अभिवादन करती हूँ, विभूति नारायण राय साहब का, रामकिशोर जी, वंदना जी और अलका प्रमोद जी और हमारे संजय श्रीवास्तव जी, और उनका मैं बहुत यहाँ पर स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन भी करती हूँ। और राही मासूम रजा साहित्य अकेडमी जब 2008 में बनी, इसकी स्थापना हुई, तो कुंवरपाल सिंह जी के लिखित भाषण का जिक्र किया है रामकिशोर जी ने, लेकिन उसके साथ में एक बात और भी है कि स्वयं विभूति नारायण राय साहब भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। मेरे ख्याल में आपको याद जरूर होना होगा कि आप भी उसमें थे जब इसका इसकी स्थापना जी, जी, हुई थी। तो जी। ये जब मेरी बात हुई उनसे तो रामकिशोर जी ने बहुत, ये मुझे ऐसा लगा कि वे राही के साहित्य से बहुत प्रभावित हैं, उनके जीवन से, साहित्य से बहुत प्रभावित हैं। और जब उन्होंने कहा वो एक इस तरह का एक संगठन बनाना चाहती हैं, तो मुझे लगा कि मुझे इससे जुड़ना चाहिए, क्योंकि जिस जो सरोकार राही के थे, जो सामाजिक जीवन में भारत, खास तौर से आज़ादी के बाद जो भारतीय समाज बन रहा था, उस वक्त जो बदलाव हो रहे थे, जो राजनीति में बदलाव हो रहे थे, जो सामाजिक जीवन में जो बदलाव हो रहे थे, वो बहुत महत्वपूर्ण थे। और किस तरह से धीरे धीरे ये पूरी जो आज़ादी की जो विरासत थी, उसकी जो परंपरा थी, वो राजनीति के कुचक्र में फंसकर वो धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, इन सब में बट गई। और उसने क्या रूप लिया, ख़ास तौर से ये आधा गांव का जिक्र किया भी विभूति जी ने, जिस जहां पर कि एक एक नेता जो वहां उस गांव में आते हैं, तो वहां पर जितने लोग उस किसान आंदोलन में मरे थे, उन सब का नाम लेते हैं, उन शहीदों का नाम लेते हैं, और लेकिन उसमें जो फुन्नन मियाँ हैं, उनका बेटे का जब नाम नहीं लेते, तो वो कहते हैं कि हमारा मुमताज भी यही शहीद हुआ था। तो धीरे धीरे एक पूरे समुदाय को हाशिए में धकेलने की जो शुरुआत आज़ादी के बाद से धीरे धीरे शक्ल लेने लगी थी, जिसका जिक्र कर रहे हैं विभूति जी कि 2014 के बाद से तो पूरा ही सामाजिक उसका स्वरूप ही उसका बदल गया है, राजनीतिक पटल पर जो चीज़ें हम देख रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है आज बहुत चिंता की बात है। और यही चिंताएं राही की थी, राही उन विभाजनकारी शक्तियों से जीवन भर संघर्ष करते रहे, और वो संघर्ष उनका साहित्य में था और साथ साथ में उनके जीवन में भी था। मैं कभी कभी जब राही को के बारे में सोचती हूँ, उनकी गतिविधियों के, उनके बातों के बारे में सोचती हूँ, मुझे लगता है कि वे एक बड़ी बेचैन आत्मा जैसे के रूप में थे। वो चिट्ठियों में भी वही बातें लिख रहे हैं, वो अपने लेखों में भी उन्हीं उन्हीं समस्याओं का, उन्हीं बातों का जिक्र कर रहे हैं। वो जो चिंताएं उनकी हैं, जो उनके सामाजिक सरोकार हैं, वो हर वक्त वो उनके साथ थे। और ये साहित्य अकेडमी जो राही मासूम रजा के नाम पर इन लोगों ने जिसकी स्थापना की, वो पूरी तरह से समर्पित है उन्हीं मूल्यों के लिए, और उन्हीं मूल्यों के लिए, और साथ साथ में जो चिंताएं राही की थीं, जिन विभाजनकारी शक्तियों के खिलाफ राही लड़ते रहे, उनके लिए संघर्ष करने की जो एक इनमें जो एक इसका जो एक भावना जो इस अकेडमी की रही है, तो इसलिए भी मेरा जुड़ाव इसके साथ हुआ। और हम लोगों ने हमेशा ये कोशिश की कि उस खांचे में, उस परंपरा में जो हमारे लेखक हैं, उनको हम सम्मानित करें, और इस बहाने से हम उन समस्याओं पर बात करें, उन सरोकारों पर हम बात करें, हम राही पर हम बात करें, और राही के माध्यम से हम उन सामाजिक परिस्थितियों पर हम बात करें। तो ये एक बहुत हमारे एक हमारी ओर से
या एकेडमी के ओर से एक एक प्रक्रिया होगी, एक काम होगा जो हम कर सकते हैं। विभूति जी ने बहुत अच्छी बात कही कि, और बल्कि संजय श्रीवास्तव जी ने भी ये बात कही कि आज जब इतने बंधन हैं, इतने अभिव्यक्ति की आज़ादी पर इतना अंकुश है, तो ऐसे मौके पर जो एक सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, उनके ज़रिए ही हम अपनी बातों को हम कह सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हालांकि विभूति जी ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव कितना होता है, राजनीति में कितना होता है, ये देखने की बात है, लेकिन होता है। जो कम से कम जो पाठक हैं, पढ़ते हैं, उन्हें अगर वो इस दूसरे तरीके से सोच रहे हैं तो लेखक उसको सेकंड करता है, उसके उस थॉट को, उसके उस विचार प्रक्रिया को एक तरीके से समर्थन देता है, तो उसको उससे बल मिलता है। तो इसलिए ये इस तरह के मुझे लगता है होते रहने चाहिए। और विभूति जी की सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने लेखन में इन मूल्यों को उठाया, उन सवालों को उठाया, लेकिन साथ साथ उनका जो पूरे जीवन में जो उनके कलाप रहे, उनके दूसरे काम रहे, यहाँ तक कि पुलिस सेवा में वो उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में महानिदेशक पद पर रहने के बाद वो वर्धा में गए और वहाँ उन्होंने उपकुलपति पद संभाला, लेकिन उसके साथ साथ में उन्होंने जो काम किए, ख़ास तौर से जहाँ कहीं अगर इस तरह की बातें हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं, तो वो वहाँ खुद जा रहे हैं, मिल रहे हैं और रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। तो खाली जो लेखक अपने जिसके अपने सामाजिक सरोकार हैं, जिसका एक प्रचार प्रक्रिया है, लेखन से सीमित नहीं है, उसका कार्यक्षेत्र तो बहुत व्यापक हो जाता है और वही उसको उसके व्यक्तित्व को ऊंचा बनाता है। तो जो ये बात हमें विभूति जी के सामने हमें दिखाई देती है, चाहे उन्होंने उनको जो फेलोशिप मिली उस पर जो उन्होंने काम किया, तो पूरा उन्होंने पुलिस भारतीय पुलिस पर उन्होंने पूरी एक किताब लिख डाली, और सांप्रदायिकता और भारतीय पुलिस पर एक लंबी रिसर्च के बाद पूरे तथ्यात्मक उन संदर्भों के साथ उन्होंने पूरी किताब लिख डाली, जो बहुत बड़ा काम है। और सबसे बड़ी बात जो मैं जो उनसे प्रभावित होती हूँ, वो उनका साहस है। देखिए, हाशिमपुरा 1987 पर जो किताब उन्होंने लिखी, मैं उन्हें सलाम करती हूँ कि चाहे ठीक है अब वो अपनी सेवा में, पुलिस सेवा में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम सब जानते हैं आज कितने खतरे हैं, कितने खतरे उठा करके कोई जोखिम उठा करके कोई उस किताब को लिखेगा, और जिसमें पूरा उन्होंने एक तरीके से रेशा रेशा पुलिस का प्रशासन का राज्य का राजनीति का नेताओं का पूरा वो किया है। ये बहुत साहस की बात है। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत प्रगतिशील भी होते हैं, लेकिन अपना दामन बचा के, वो कहते भी हैं लेकिन अपना दामन बचा लेते हैं। तो ये उनका जो साहस है, तो जो कि जोखिम उठाना वो जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है जो कि बहुत कम लेखकों में मिलती है। तो ये एक उनकी जो कथाकार के रूप में भी जो उनकी पहचान रही है, चाहे वो शहर में कर्फ्यू हो, चाहे घर हो, तबादला हो, ये सभी ठीक है, इन सब में है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो उनका जो लेखन है, जो जो सांप्रदायिकता के विरुद्ध है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, और वो जो साहस वो दिखाते हैं, ये अपने आप में अप्रतिम है। तो आज मेरा गला बहुत ख़राब है, मैं बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही, मुझे बहुत खांसी भी आ रही थी, तो मैं वंदना जी से कह रही थी कि पता नहीं मैं बोल पाऊँगी कि नहीं बोल पाऊँगी, मैं उनसे बात कर रही थी तो भी मुझे बहुत ज़ोर से खांसी आ रही थी, लेकिन मैंने कहा ये कार्यक्रम तो हम ही लोगों का है, हम ही लोगों ने तय किया है, हमें करना है। तो मैं विभूति जी को बहुत बधाई देती हूँ, और इसलिए, और मुझे लगता है कि राही के नाम पर जो राहे महासुम रजा साहित्य अकेडमी सम्मान है, इसके लिए उनसे ज़्यादा
उपयुक्त नाम और कोई दूसरा नहीं हो सकता था, जो कि लगातार वो अपने अपने लेखन में भी, अपने कार्य क्षेत्र में भी, अपने और दूसरे तरह के जो लेखन है उनमें भी वो करते रहे हैं। बहुत सारे उनके लगातार वो जो अलग अलग कार्यक्रम, आजकल तो सब ऑनलाइन कार्यक्रम ही हैं, मैंने कई उनके कार्यक्रम सुने हैं, वहाँ पर भी वो इतनी ही बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। और मुझे लगता है कि आज के समय में ये साहस ही ज़रूरी है, इस साहस के साथ और अपनी इसी समझ के साथ और इन्हीं सरोकारों के साथ अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो शायद हम इसी के माध्यम से हम कर सकते हैं। और जिसकी आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी ओर उन्होंने इशारा किया, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, मेरा गला जवाब दे रहा है। बहुत बहुत आपको एक बार फिर बधाई। आप सब लोगों को संजय जी ने बहुत विस्तार से और उनके उनके पूरे व्यक्तित्व के हर पहलू को उन्होंने बताया। और ये हमारे राम किशोर जी ने और अलका प्रमोद जी ने जो उनके बारे में जो सम्मान पत्र पढ़ा, उसको भी आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार किया है। मैं अब वंदना जी से आग्रह कर, अम्बरीन आफ्ताब ने जो राही पर बात की है, सचमुच विभूति जी ने बहुत सही कहा कि इस पर हम लोगों ने उनके राही के उपन्यास पढ़े हैं और हम उनमें उनके स्त्री पात्रों को देखते हैं, और ये उन जो विसंगतियां हैं, जो जो एक वहाँ मुस्लिम समाज की जो औरतों की जो स्थिति है, हम उसको देखते हैं। खासतौर से हम रशीद जहाँ की उपन्यास की कहानियों में भी, उसमें भी हम देखते हैं, उसी परंपरा में राही भी उसी बेबाकी से उस घर के भीतर की जो औरतों की स्थिति है उस पर बात करते हैं। लेकिन एक विस्तार से उस पर चर्चा करना और एक शोध के रूप में उस एस्पेक्ट को लेना, ये अम्बरीन आफ्ताब ने बहुत अच्छा किया है और इस ओर ध्यान भी आकर्षित किया है कि इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर नमिता सिंह जी का। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि हम अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं, और एक बार फिर आदरणीय विभूति नारायण राय जी को हार्दिक बधाई, उनका अभिनंदन। और अब मैं डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य अकेडमी की अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर वन्ना मिश्रा जी से अनुरोध करूंगी कि वो धन्यवाद ज्ञापन करें। आपका माइक बंद है, माइक ऑफ है, आपका माइक ऑफ है। आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है। धन्यवाद राजुल जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे आज के सम्मानित साहित्यकार और श्री विभूति नारायण राय जी को, जिन्होंने हमारा ये सम्मान स्वीकार करके हमें गौरवान्वित किया है। और बहुत बहुत ज़रूरी था उनको इस 21 का ये सम्मान दिया जाना, क्योंकि वैसे तो वो हमेशा हमारी लिस्ट में रहते थे, लेकिन इस बार का सम्मान, और हमेशा शॉर्ट लिस्ट रहती है हमारे पास, लेकिन इस बार का सम्मान उन्हें देना इसलिए ज़रूरी था कि इस वक्त के लिए, ये जो अंधेरा समय हमारा आज का है, ये जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस दौर में राय साहब जैसा साहित्यकार, जिसके लिए नमिता जी ने बताया कि निर्भीकता भी है और एक बड़ा विजन भी है
और हर चीज को, एक छोटी से छोटी चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना और उसके बाद उसको सामने लाना, ये जो गुण राय साहब में है ये विरल गुण है, ये बहुत बड़ी चीज है जिसके लिए हमने सोचा कि इस वर्ष का सम्मान सिवाय राय साहब को और किसी को नहीं दिया जा सकता। और मैं बताऊं कि उनकी जो चीजें हैं वो किस तरह से हम उनका अपने रोजमर्रा के जीवन में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैं मानवाधिकार के लिए की लड़ाई लड़ने वालों में भी शामिल रही हूँ। तो हम लोग का एक होता है कि जब कभी भी दंगा होता है, राय साहब का एक बड़ा हम लोगों के बीच में बड़ा एक हम लोग उसको बहुत उदाहरण देते हैं कि अगर दंगा होता है तो कभी भी 24 घंटे से ज्यादा नहीं चल सकता है, अगर सरकार की उसमें सहमति नहीं हो, अगर सरकार की उसमें रजामंदी नहीं हो तो कोई दंगा 24 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा, उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो ये जो सरकारों की भी उसमें शिरकत रहती है, सरकार का जो प्रोत्साहन रहता है या उसकी जो पीछे छुपी भूमिका होती है, उसको उजागर किया राय साहब ने, और हम लोगों को ये पता चला कि दंगों में ये सिर्फ ये लोगों द्वारा नहीं होते हैं, ये सरकारों द्वारा प्रायोजित दंगे भी होते हैं। या इसी तरह से जो हाशिमपुरा 22 जो उन्होंने लिखा तो उन्होंने अभी, और उसका जिस तरह से उन्होंने सामग्री जिस तरह से उन्होंने इकट्ठी की उसकी, जिस बहादुरी के साथ और जिस चतुराई के साथ और होशियारी के साथ, वो आसान काम नहीं था, वो सबके बस का काम नहीं था, उसकी सामग्री उसके अंदर की जो डिटेल्स निकालने थे सरकारी उसमें वो उन्होंने निकाले, और जिस वक्त वो ये काम कर जिस वक्त वो हाशिमपुरा में इन्वॉल्व हुए उस वक्त वो सरकारी नौकरी में थे। अगर हमारी पुलिस फोर्स के 10 अधिकारी भी इस तरह की हिम्मत वाले हो जाएं तो मुझे लगता है कि परिदृश्य हमारे यहाँ का बदल जाएगा, ये जो इनकाउंटर्स और ये जो ठोंक दो की संस्कृति हमारे चल रही है वो खत्म हो जाएगी, अगर सिर्फ इस तरह के कुछ उंगली पे गिने चुने ही अधिकारी हमारे यहाँ के इस तरह के हो जाएं। लेकिन वही जो कहते हैं कि किसे चाहिए सभ्य पुलिस, क्योंकि अगर पुलिस सभ्य हो जाएगी, अगर पुलिस रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे तो फिर वो राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकेगा। तो ये भी मतलब जो हमारे सामाजिक इस तरह के इश्यूज हैं उनको भी राय साहब ने बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उठाया है। तो इसके लिए मैं राय साहब को बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ और बहुत बहुत उनसे उम्मीद करती हूँ कि आगे भी उनकी तरह लेखनी में इसी तरह का जोर कायम रहेगा और इसी तरह बहादुरी से वो हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। राय साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये स्वीकार करने के लिए अवार्ड और आज के कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। नमिता जी हमारी रूहे रवा हैं, तो उनका तो मतलब हमेशा हम लोग को समर्थन रहता है, हमको वो पीछे से बल देती रही। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने बहुत थोड़े शब्दों में लेकिन राय साहब के बारे में जितनी जरूरी चीजें थी, वैसे तो अनंत कथा है, लेकिन आपने जिस तरह से उनके जितने जो आयाम है उनके लेखन के, उनके कैरियर के, उनके सांस्कृतिक यात्रा के, रामानंद पुस्तकालय के, वो सारी चीजों को आपने संक्षेप में सही, लेकिन आपने उन सारी चीजों की तरफ इशारा करके एक हस्तामलक वत आपने जिस तरह से कहा जाता है प्रस्तुत किया, तो वो बहुत ही उसके लिए बहुत आभारी हैं। हालांकि हमारे एक वक्ता और होने थे जो नहीं आ पाए, लेकिन आपने पूरी तरह से एक परिचय इतना ऐसा दे दिया कि हमें ऐसा नहीं लगा कि कुछ छूट रहा है। तो आपका बहुत बहुत आभार, और आप इस बार हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमेशा जुड़े रहेंगे हम ये उम्मीद करते हैं। तो राही मासूम रजा अकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रामकिशोर जी हमारे बहुत उत्साही, परम उत्साही हम कहें, हमारे सारे कार्यक्रम उन्हीं की लगन और उन्हीं की एक लगातार सक्रिय रहने के कारण हो पाते हैं। रामकिशोर जी आपका बहुत धन्यवाद। अलका प्रमोद जी बहुत धन्यवाद, आप हमेशा हमारे हर कार्यक्रम में कुछ न कुछ भूमिका निभाती हैं, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। और अम्बरीन जी हालांकि नहीं दिख रही हैं हमें, लेकिन अम्बरीन जी ने राही मासूम रजा के जिस एक अनदेखे पक्ष पर आज रोशनी डाली वो बहुत अच्छा लगा, और उस पर वो काम कर ही रही है, तो हम जल्दी उम्मीद करते हैं कि उनकी किताब आएगी और हमारे कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजुल हमेशा हमारे कार्यक्रमों को बड़े सुंदर ढंग से संचालित करती हैं और बड़े हम लोग बहुत ही टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अपरिचित लोगों को वो इस उसमें जोड़ देती हैं, तो मैं उनकी भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। प्रकाशक पेज का, अशोक हमराही जी का, वो हमेशा हम लोगों को हमारे हर कार्यक्रम के सुचारू संचालन में वही मदद करते हैं, उन्हीं के कारण हो पाता है। तो अशोक हमराही जी आप कभी दिखाई नहीं देते, पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन आपको बहुत शुक्रिया। प्रकाशक पेज को बहुत शुक्रिया,
और आप सब जितने लोग इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, हम उनको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका समर्थन इसी तरह राही मासूम रजा अकेडमी के साथ रहे। आप राही मासूम रजा के आदर्शों को आगे बढ़ाने में आप सब लोग हमेशा शिरकत करते रहेंगे, हमें उम्मीद है, क्योंकि ये वक्त बहुत कठिन है। इस कठिन वक्त में राही मासूम रजा की बातें याद रखना और विभूति नारायण राय साहब की तरह हिम्मत के साथ याद रखना और उनका अनुसरण करना बहुत बहुत जरूरी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर राय साहब को बधाई देती हूँ और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद बिजली को धन्यवाद की इतनी देर साथ रही। ठीक है, फिर मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ओके, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और इतना सुंदर ये अवसर मुझे देने के लिए कि मैं इस पटल से जुड़कर और आप सभी के बीच बैठकर इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन पाई। आदरणीय विभूति नारायण जी अभी चले गए हैं, लेकिन मैं ये लगातार देख रही थी कि बिजली उनकी आ रही है और जा रही है। ऐसा कई दफा हुआ कि बिजली आई और गई, तो वो जैसे अंधेरी ऐसे एकदम से रोशनी आती है, तो ऐसा लगा कि जब ऐसे विचारों का जब इतना ज्यादा खुलापन होता है और सुलझी हुई सोच होती है, तो ऐसे ही अंधेरे में रोशनी चमकती है बीच में और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। बहुत सुंदर राजू, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ पूनम सिंह जी जुड़ी रही और मीनू त्रिपाठी जी जुड़ी रही, आपका बहुत धन्यवाद। पूनम अहमद जी जुड़ी, बहुत धन्यवाद। कुंवर सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंदु चौबे जी जुड़ी और श्याम यदुवंशी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। एक बार फिर बहुत सारे धन्यवाद के साथ, और डॉक्टर राही मासूम साहित्य एकेडमी के सभी विद्वजनों को और आदरणीय डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी को नमस्कार। संजय जी, मुलाकात होती रहनी चाहिए। एकदम 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 होगी आपसे। बिल्कुल जी।